मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के नेतृत्व में भाजपाइयों ने खुली गुंडई करते हुए आवास की सुरक्षा हेतु लगी हुई बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर घुसने की कोशिश की गई। इस घटना की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। साथ ही SIT से भी जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अशोभनीय, निंदनीय और आपत्तिजनक बताया है। जब से हमारी पंजाब की जीत हुई है तब से इन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तब से ये लोग चाहते हैं कि कोई काम ना करें हमारे अरविंद केजरीवाल जी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया है इन लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर हमला किया गया है। अब इनका CM साहब का ये हाल है तो हम आम जनता का क्या हाल होगा। हमने इस मामले पर लेकर प्रदर्शन किया है क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला किया गया है, कैमरे तोड़े गए हैं, रंग डाला गया है और सारे डिवाइडर गेट वगैरह सब तोड़ दिए गए हैं वहाँ के। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार हर जनता का हक है ऐसी सरकार को पाने का, और उन हक का हक है अपना हक पाने के लिए, और ये सरकार जो है कुछ नहीं करने दे रही है। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का मुद्दा है और ये सरकार जो है बहुत गलत कर रही है आम जनता के साथ में और हमारे CM आवाज़ के साथ में बहुत गलत किया है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उन पर एक हमला हुआ, उनके परिवार पर, उनके घर पर। जो BJP के गुंडे थे अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला करा, जहां पे पुलिस तमाशबीन बनकर एक तमाशा देखता रही। और ये जो RSS के और BJP के, मैं तो कार्यकर्ता नहीं, इस टाइम तो गुंडे ही कहेंगे, जब दहशत फैलाते हैं तो उन्हें गुंडाई कहा जाता है, तो जब दहशत गर्द होता है आतंकवादी कहा जाता है। तो आतंकवादियों ने उनके घर पर निवास पर हमला करा जो बहुत निंदनीय है। उत्तर प्रदेश और जो बड़ी पूरे देश की सरकार चलाने वाली पार्टी है कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, BJP कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से आप डर गए और उन पर हमला करा, बहुत ही निंदनीय है। अमित शाह से हम ये आज के जो प्रदर्शन हमने करा है, अमित शाह से कहना चाहते हैं जो जनता के द्वारा चुनी सरकार है अरविंद केजरीवाल, जो लगातार जनहित में काम कर रहे हैं, जो लगातार जनता को उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, 75 सालों में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं करा जो अरविंद केजरीवाल ने करा, सिर्फ जनता को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। आप जनता को फ़ायदा पहुँचाने वाले एक सच्चे सिपाही पर, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? आप जनता से नाराज हैं कि जनता इस देश में वोट देती है, जनता मालिक है, जनता ने चुना है उसे। जब जनता ने चुना है किसी मुख्यमंत्री को तो जनता का वो प्रिय है और तुम उसे डर गए। दूसरे राज पंजाब में सरकार बना ली तो तुम्हारे तोते उड़ गए, रातों की नींद हराम हो गई, तो उस पर हमला करा रहे हो। और तुम जो 30 सालों में तुम नहीं कर पाए, 70 सालों में नहीं कर पाए, आज तुम कश्मीर फाइल को लेकर बात करते हो। कश्मीर फाइल बहुत दुख था कि तब 1990 में ये घटना घटी, निंदनीय है जो वो निंदनीय है कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, मगर BJP सरकार सिर्फ पिक्चर का प्रमोट करके उस पर फायदा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ यही तो कहा था, है मांगे यही हैं जो गुंडे थे, जो अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर हमला करने वाले गुंडे थे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। और जो उस टाइम और जो वहाँ पे सत्ता पर वो जो उस टाइम ड्यूटी पे पुलिस कर्मी थे उन्हें बर्खास्त किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम गुजरात जारी गए को ज्ञापन दे रहे हैं।